गुलबर्ग सोसाइटी केस में सजा का ऐलान, 11 दोषियों को आजीवन कैद, 12 दोषियों को 7 साल की सजा। अहमदाबाद की अदालत ने 24 लोगों को ठहराया दोषी, 36 को किया था बरी, 6 आरोपियों की सुनवाई के दौरान हो चुकी है मौत। केराना में आज हाई प्रोफाइल सियासी ड्रामे की आशंका, बीजेपी एसपी के मार्च को प्रशासन ने नहीं दी मंजूरी, एसपी की तरफ से अतुल प्रधान ने किया है सद्भावना मार्च का ऐलान, तो बीजेपी से विधायक संगीत सोम ने भी किया है मेरठ से केराना तक मार्च का ऐलान। संगीत सोम के घर के बाहर जमा हुए समर्थक, जमकर हो रही है नारेबाजी। केराना, दादरी और लखनऊ की कानून व्यवस्था पर यूपी के राज्यपाल ने सीएम से मांगी रिपोर्ट, कहा राष्ट्रपति को भेजेंगे रिपोर्ट, बीजेपी का जांच दल आज राष्ट्रपति को सौंपेगा रिपोर्ट। कांग्रेस नेता शीला दीक्षित ने टैंकर घोटाले के आरोपों को बताया बकवास, आज तक से बातचीत में कहा अब तक कोई बात नहीं, अचानक कहां से आ गए आरोप। केजरीवाल सरकार ने लगाया है शीला दीक्षित पर आरोप, एलजी और केंद्र सरकार से मांग, एसीबी से कराएं शीला सरकार के दौरान हुए घोटाले की जांच। यूपी के सीएम पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर बोली शीला, कांग्रेस से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं, जब चर्चा होगी तब देखेंगे। केजरीवाल पर 11 महीने तक फाइल दबाने के आरोप वाली विजेंद्र गुप्ता की शिकायत की भी होगी जांच, एलजी ने एसीबी को भेजी शिकायत। दिल्ली की सड़कों पर बीजेपी सांसद महेश गिरी और अरविंद केजरीवाल की बहस के पोस्टर, 19 जून को बहस के लिए सीएम को न्योता। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से मुठभेड़, एक दहशतगर्द को किया ढेर। सोपोर के बोमई इलाके में सुरक्षा बलों को मिली थी 2 आतंकियों के घुसे होने की खबर, आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी। तंगधार एनकाउंटर में शहीद जवान प्रेम बहादुर को अंतिम विदाई, श्रीनगर में सैनिक सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। तंगधार में आतंकियों से मुठभेड़ में भारतीय जाबाजों ने 4 दहशतगर्दों को किया था ढेर, कुपवाड़ा के तंगधार में बुधवार को हुआ था आतंकियों से एनकाउंटर। गिरिडीह में नक्सलियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, सीआरपीएफ का एक जवान शहीद। राजस्थान के बेवर में ऑयल टैंकर असंतुलित होकर पलटा, टैंकर में लगी भीषण आग, अजमेर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा, ड्राइवर और हेल्पर की बची जान। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंट से बाइक सवार 3 बदमाशों ने चाकू की नोक पर 1.5 लाख रुपए लूटे, फरार बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। दिल्ली के उत्तम नगर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का छापा, 3 तरह के ड्रग्स के साथ 2 नाइजीरियन गिरफ्तार। जब्त की गई ड्रग्स की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए, दोनों पर ड्रग्स का रैकेट चलाने का आरोप। ग्रेटर नोएडा में मिनी ट्रेलर की टक्कर से 2 की मौत, 6 घायल। सियालदह एक्सप्रेस ट्रेन में बेगूसराय में जीआरपी ने की छापेमारी, 4 हथियार और 18 बोतल विदेशी शराब की बरामदगी। दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद के इंदिरापुरम में 8 साल की बच्ची की स्विमिंग पूल में डूबकर हुई मौत, आम्रपाली रॉयल सोसाइटी की घटना। दिल्ली में इंजन ऑयल को चूना लगाने वाले 2 लोग गिरफ्तार, मुंडका में पाइपलाइन में सुरंग बनाकर पाइप जोड़कर हो रही थी चोरी। बिहार के समस्तीपुर में कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने की सुसाइड, नेट की परीक्षा में 5 बार फेल होने पर था निराश, घर में फांसी लगाकर की खुदकुशी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एडिशनल कमिश्नर बने पब्लिक के गुस्से का शिकार, नाराज शख्स ने जड़ा तमाचा, सर्विस रोड बंद करने के लिए लोगों को समझाने गए थे एडिशनल कमिश्नर। दिल्ली के हौज खास में 12 साल की बच्ची की घर में ही पंखे से लटकी हुई लाश मिलने से सनसनी, माता पिता को बच्ची से दुराचार के बाद हत्या की आशंका। फरीदाबाद की नवीन नगर में 3 लोगों की रहस्यमय ढंग से लगी गोली, गोली से घायल लोगों में 2 बच्चे भी शामिल, गर्दन पर गोली लगने से 12 साल के अनुराग की हालत नाजुक, पुलिस को शक, तिलपत रेंज में चल रही एयरफोर्स की फायरिंग की वजह से हुई वारदात। मुंबई पुलिस ने हरियाणा से साइको ब्लैकमेलर को किया गिरफ्तार, खूबसूरत लड़कियों के फेसबुक प्रोफाइल की तस्वीरों की नकल बनाकर करता था ब्लैकमेल। यूपी के लखीमपुर खीरी में महिला का 50,000 रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हुए बाइक सवार बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। खुद को एसपी विजिलेंस बताकर सरकारी अफसरों को धमकाने वाला युवक गिरफ्तार, बीजेपी के पूर्व एमएलए रूप रानी का बेटा राहुल है आरोपी। बेगूसराय में किडनैपर्स के चंगुल से पुलिस ने कराया मनीष को रिहा, लड़की बनकर फेसबुक के जरिए दोस्ती कर मिलने बुलाकर किया था युवक को अगवा, 4 गिरफ्तार। इलाहाबाद में पूर्व डिप्टी एसपी की पत्नी और डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल इंदिरा सिंह की गला रेत कर बेरहमी से हत्या,
प्रॉपर्टी के लिए पहले भी हो चुका था महिला पर हमला। पंजाब गांव फजिलका में 21 साल के सुनील और 19 साल की पार्वती ने की खुदकुशी। रिश्ते में चचेरे भाई बहन थे मृतक। दोनों के प्यार से नाराज था परिवार। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर से बच्चा चोरी होने का सनसनीखेज मामला आया सामने। 5 साल के विशु की तलाश में जुटी पुलिस। रो रो कर मां का बुरा हाल। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर वीवीआईपी के बैग्स चुराने वाला गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद हुई थी चोरी की वारदात। बीएसएफ कांस्टेबल था आरोपी। कोल्हापुर के सीपीआर अस्पताल में कैदी को भगाने की साजिश का भंडाफोड़। छापामार कर पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में 2 पुलिस वाले शामिल। अस्पताल की तीसरी मंजिल पर कैदी के साथियों के साथ कर रहे थे पार्टी। रेड के वक्त छलांग लगाने से 3 लोग हुए घायल। बेगूसराय में किडनैपर्स के चंगुल से पुलिस ने कराया मनीष को रिहा। लड़की बनकर फेसबुक के जरिए दोस्ती पर मिलने बुलाकर किया था युवक को अगवा। 4 गिरफ्तार। इलाहाबाद पूर्व डिप्टी एसपी की पत्नी और डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल इंदिरा सिंह की गला रेतकर बेरहमी से हत्या। प्रॉपर्टी के लिए पहले भी हो चुका था महिला पर हमला। यूपी के बिजनौर में बारिश ने खोली अधिकारियों की पोल। महज 2 महीने में बारिश के आगे दम तोड़कर गिर पड़ा पुल। 3700 करोड़ रुपए से बनकर तैयार हुआ था। मुंबई में हिस्ट्री शीटर जयराम अन्ना की मलाड वेस्ट में हत्या। अज्ञात हमलावरों ने एक को मौत के घाट उतारा। जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में रेलवे पुलिस ने किया ट्रेन में चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 3 बदमाश गिरफ्तार। एसी ट्रेन कोच में महिलाओं के बैग और पर्स को बनाते थे निशाना। हैदराबाद में प्राइवेट वुमेन हॉस्टल संचालक नरेंद्र रेड्डी गिरफ्तार। युवती से रेप की कोशिश का आरोप। लखनऊ में खुद के अपहरण की साजिश रचने वाला युवक गिरफ्तार। पत्नी भी थी साजिश में शामिल। कोचिंग संचालक को फंसाकर पैसा ठगने का था प्लान। कुरुक्षेत्र में पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 5 किलोमीटर की दौड़ में प्रतियोगी कर रहे हैं प्रतिबंधित दवाओं का इस्तेमाल। टीम इंडिया का कोच चुनने के लिए सचिन तेंदुलकर ने भरी हामी। विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखेंगे अपनी राय। सिलेक्शन कमेटी में वीवीएस लक्ष्मण और सौरभ गांगुली भी। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के अहम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-2 से दी शिकस्त। अब फाइनल में पहुंचने के लिए मुश्किल हुई राह। गेरू में नहर में फंसे एक कुत्ते के रेस्क्यू की तस्वीरें आई सामने। पुलिसकर्मियों ने मानव श्रृंखला बनाकर घंटों मशक्कत करने के बाद बचाई जान। वेटिकन में पोप फ्रांसिस के सामने स्टेज पर बाघ के बच्चे के बोतल से दूध पीने की तस्वीरें। सर्कस के शोज की मनाई जा रही थी जुबली। मैनचेस्टर में एक स्टोर पर बेकाबू कार का कहर। स्टोर का दरवाजा तोड़ते हुए भीतर घुसाई कार। शॉपिंग कर रहे बच्चे को मारी टक्कर। हादसे में बच्चे को आई मामूली चोट। नशे में धुत होकर गाड़ी चला रही थी 79 साल की महिला।